घर वालों के सामने आया योगी और परी का प्यार, योगी के पापा के उठाए कदम से आएगा नया तूफान। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, कुछ ऐसा ही नजारा इशारों इशारों में भी नजर आ रहा है। योगी और परी का प्यार अब घर वालों से छिपा नहीं है, ये बात जानकर घर वाले भी बेहद खुश हैं और सब मिलकर योगी की टांग खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जिसे ये बात अब तक पता नहीं है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि योगी के पापा जी हैं। घर वाले आज योगी के साथ मिलकर यही गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ ही पापा जी को सच कैसे बताएं, इस पर घर में सीरियस डिस्कशन चल रहा है। लगता है योगी के सिर पर सहरा सजना इतना आसान भी नहीं है, तभी तो प्यार में पड़े योगी की जिंदगी में हमेशा ही कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। और इस बार तो योगी की लाइफ में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो बुरा क्या है, चलिए योगी और परी से ही जान लेते हैं। सबको पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हालांकि उनको पता नहीं है उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है। शुड वी रिवील? क्या किया उन्होंने? ओके, वो बात करके आ गए गुंजन के पापा से कि हम, मतलब ठीक है, मैं अपने बेटे का हाथ तुम्हारे बेटे के साथ, मतलब अच्छा तुम ही बोल दो ना। हाँ, मोटा मोटा यही है, रिश्ता कहीं और तय हो गया और यहाँ मैं अब इससे प्यार करता हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, योगी के पापा जी एक बार फिर योगी का रिश्ता गुंजन के साथ करवाने जा रहे हैं। इस बात से अनजान योगी परी के साथ इश्किया लड़ा रहे हैं। योगी और परी, ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी की लाइफ में फिर से पुराना प्यार दस्तक देने वाला है। गुंजन की वापसी से अब आप दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? वैसे तो देखिए, ड्रामा कितना भयंकर है, क्या मस्त ड्रामा है। इधर हम लोगों का प्यार शुरू हुआ और उधर पापा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स नाइस। वही कहानी में अब परी की मम्मी की भी एंट्री होने वाली है, तो चलिए परी से ही जान लेते हैं कि उनकी माँ घर में कौन सा नया तूफान लाने वाली है। मैं तो मम्मी से बात ही नहीं करना चाहती, मतलब आई एम अवॉइडिंग माई पेरेंट्स, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम कि मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप चले जाओ, बिकॉज उन्होंने कभी भी मुझे आज तक सपोर्ट नहीं किया है, सो व्हाई शुड आई गो विद द मोर ओवर आई लव। चैनल ने स्पेशली बोला था ये रिवील नहीं करना। मजाक कर रहा हूं। हां बोलो बोलो। और मैं इस फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड योगी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। तो मैं तो सुना के आ गई, अब वो आके यहाँ पे जो कांड करते हैं वो तो उनके ऊपर है। योगी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परी की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि परी की माँ को मनाना आपके लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। बहुत ही स्मार्ट लड़की है परी, काफ़ी चीज़ें खुद ही हैंडल कर लेती है, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ अपनी फैमिली को हैंडल करने की। परी अपनी फैमिली को ऑलरेडी हैंडल कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वो नीचे आके काफ़ी सीन क्रिएट करते हैं, यहाँ से जो सीन नीचे कैरी फॉरवर्ड होता है वही है, बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग इसके मम्मी डैडी को समझा दिया गया। वैसे योगी, हमने एक बात नोटिस की है कि परी आपके लिए अपनी फैमिली तक से लड़ रही है, जो गुंजन नहीं कर पाई थी। वेल, अनजाने में प्रकाश जी ने योगी को वापस वही धकेल दिया है जहां से निकलना योगी के लिए काफी मुश्किल रहा है। योगी अब गुंजन को नहीं बल्कि परी को प्यार करते हैं, लेकिन प्रकाश जी वापस योगी का रिश्ता उनके पुराने प्यार गुंजन से करवाने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या योगी इस बार पापा जी से लड़कर परी को अपना पाते हैं, या एक बार फिर वो पापा जी की इज्जत की खातिर अपना प्यार कुर्बान कर देते हैं। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।